गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय सेल्फ दर्जी भारती फ्रॉम थामना एजुकेशन इंस्टीट्यूट। आई टीच यू सब्जेक्ट इंग्लिश ऑफ क्लास सेकंड। हमने अगले वीडियो में देखा ना क्या वर्ड मीनिंग समझे हम लोगों ने, तो अभी हम ये जो चैप्टर है ना वो अब हम सीखेंगे, बराबर, जिसका नाम है कर्ली लॉक्स एंड द थ्री बेयर्स। बेयर्स यानी कि भालू, रीच, पता है ना सबको, वो कर्ली लॉक्स करके एक गर्ल थी और थ्री यानी कि तीन बेयर्स भालू थे, उनकी आज कहानी है, वो हम लोग पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते। वंस देयर वॉज अ गर्ल विथ कर्ली हेयर। वंस यानी कि एक टाइम पे, देयर वॉज अ गर्ल, एक गर्ल थी, With curly hairs, curly means घुंघराले। एक टाइम पे एक गर्ल थी जिसके बाल कर्ली थे। Her name was curly locks। Her यानी उसका, name यानी कि नाम, क्या था उसका नाम, curly locks था। One day, एक दिन, she went into the forest near her house। She went यानी कि वो गई, into the forest, forest यानी कि जंगल, नियर यानी कि नजदीक, हर हाउस उसके घर के बाजू में एक जो फॉरेस्ट था उसके अंदर वो गई। सी सो अ कॉटेज, सी यानी कि उसने, सो यानी कि देखा, ए कॉटेज यानी कि झोपड़ी, कुटिया, उसने वहां एक कॉटेज यानी झोपड़ी को देखा। इज एनीबडी इन, सी आस्क्ड, इज एनीबडी, एनीबडी यानी कि कोई है, इन यानी कि अंदर, अंदर कोई है, उसने पूछा। देर वॉज नो बड़ी, नो बड़ी यानी कि कोई नहीं था, अंदर कोई नहीं था। द बेयर फैमिली लिव्ड इन द कॉटेज। बेयर यानी कि भालू, भालू की जो फैमिली थी वो उस झोपड़ी के अंदर रहती थी। दे हैड गॉन फॉर ए वॉक। दे यानी कि वो सब तीनों, हैड गॉन यानी कि गए थे, कहाँ पे, फॉर ए वॉक, वो तीनों वॉक करने के लिए गए थे। कर्ली लॉक्स वेंट इन, कर्ली लॉक्स थी वो कुटिया के अंदर, झोपड़ी के अंदर गई। सी वॉन्टेड टू सी हू लिव्ड देयर, सी यानी कि वो, वॉन्टेड टू सी यानी कि देखना चाहती थी, क्या, हू लिव्ड देयर, उस कुटिया में कौन रहता था, वो देखना चाहती थी, इसीलिए वो कुटिया के अंदर गई। सी सो थ्री बाउल्स ऑफ पॉरिज ऑन द टेबल। सी सो यानी कि उसने देखा, क्या, थ्री बाउल्स ऑफ पॉरिज, जो राब दलिया होता है ना, उसके जो तीन बाउल यानी कि कटोरी थी वो उसने कहाँ पे देखे, ऑन द टेबल, उसने टेबल के ऊपर तीन बाउल पॉरिज यानी कि दलिया यानी कि राब के रखे हुए देखे। देर वॉज अ बिग बाउल फॉर पापा बेयर। देर वॉज अ बिग, बिग यानी कि बड़ा, बाउल यानी कि कटोरी, किसके लिए थी, पापा बेयर के, पापा बेयर के लिए, उसने वहां क्या देखा, एक बड़ी सी कटोरी थी जो पापा बेयर के पास के लिए थी। ए मिडल साइज बाउल फॉर ममा बेयर। मीडियम साइज की एक कटोरी थी वो ममा बेयर के लिए थी। एंड अ टाइनी लिटल बाउल फॉर बेबी बेयर। और टाइनी यानी कि छोटी सी कटोरी थी वो किसके लिए थी, जो बेबी बेयर था उसके लिए रखी हुई, उसने मेज पर, टेबल पर देखी। कर्ली लॉक्स वॉज हंग्री। कर्ली लॉक्स को बहुत भूख लगी थी। सी एट द पॉरिज फ्रॉम द बिग बाउल। सी एट यानी कि उसने खाया, क्या, द पॉरिज यानी कि दलिया, कहाँ से, राब, फ्रॉम द बिग बाउल, उसने बिग यानी बड़े, बड़ी कटोरी थी उसके अंदर से जो दलिया था वो खाया। इट वॉज वेरी हॉट। वो क्या था, वेरी यानी कि बहुत, हॉट यानी कि गर्म था, वो बहुत गर्म था। सी एट फ्रॉम द मिडल साइज बाउल। सी एट यानी उसने खाया, कहाँ पे से, फ्रॉम द मिडल साइज बाउल, जो बीच वाला मीडियम साइज का जो कटोरा या कटोरी थी उसमें पे उसने खाया। इट वॉज टू कोल्ड। वो बहुत ठंडा था। सी एट फ्रॉम द लिटल बाउल। सी एट फ्रॉम द टाइनी लिटल बाउल। उसने
टाइनी लिटल यानी कि जो सबसे छोटा बाउल यानी कि कटोरी थी उसमें से भी खाया। कर्ली लॉक्स एट अप ऑल द पॉरिज, कर्ली लॉक्स एट अप ऑल द पॉरिज, उसने सारा दलिया खा लिया। देन सी वेन टू द बेडरूम, देन यानी कि उसके बाद, सी वेन टू द बेडरूम, सी वेन यानी कि वो गई कहाँ पे, टू द बेडरूम, उसके बाद खाना खाने के बाद, पॉरिज खाने के बाद वो बेडरूम के सोने का जो कमरा होता है ना वहाँ पे गई। देर वॉज अ बिग बेड फॉर पापा बेयर, वहाँ पे क्या हुआ था बेडरूम में, एक बिग यानी कि बड़ा सा बेड था वो पापा बेयर, पापा बेयर के लिए था। ए मिडल साइज बेड फॉर ममा बेयर, जो मीडियम साइज का बेड था वो ममा बेयर के लिए था। एंड अ टाइनी लिटल बेड फॉर बेबी बेयर, और टाइनी यानी कि छोटा बेड था वो किसके लिए था ना, वो छोटा बेयर था ना बेबी बेयर, उसके लिए था। द बिग बेड वॉज वेरी हार्ड, वो बड़ा सा बेड था ना वो कैसा था, हार्ड था, बराबर। द मिडल साइज बेड वॉज टू सॉफ्ट, द मिडल यानी कि मीडियम साइज का जो बेड था वो बहुत मुलायम था, सॉफ्ट था। बट द टाइनी लिटल बेड वॉज जस्ट राइट, पर वो छोटा सा बेबी बियर का जो बेड था वो उसके लिए परफेक्ट था, राइट था, वो सॉफ्ट भी नहीं था और हार्ड भी नहीं था, उसको जैसा चाहिए था उसके लिए वो परफेक्ट बेड था। कर्ली लॉक फेल अस्लीप इन द टाइनी लिटल बेड, कर्ली लॉक्स फेल अस्लीप यानी कि वो सो गई, वो छोटा सा जो लिटल बेड था ना उसके अंदर कर्ली लॉक्स सो गई। द बेयर फैमिली केम बैक, बेयर फैमिली थी वो वापस आई। समबडी एट माई पॉरी, शाउटेड पापा बेयर इन हिज बिग ग्रुप वॉइस। समबडी एट यानी कि कोई खा गया क्या मेरा पॉरीज यानी कि दलिया या राग, मेरा दलिया या राग कोई खा गया है। शाउटेड पापा बेयर, पापा बेयर थे वो चिल्लाए कैसे, इन हिज बिग ग्रुप वॉइस, ग्रुप यानी कि भरी आवाज में पापा बेयर थे वो चिल्लाए, क्या बोले, चिल्ला के, किसी ने मेरा दलिया खा लिया है। समबडी एट माई पॉरिज टू, सेड ममा बेयर, ममा बेयर भी बोली किसी ने मेरा भी दलिया यानी कि राब खा ली है। समबडी फिनिश्ड ऑल माई पॉरिज, सेड बेबी बियर इन हिज टाइनी लिटल वॉइस, बेबी बियर यानी कि छोटा सा भालू था वो अपनी टाइनी यानी कि छोटी सी दीरी सी आवाज में बोला, कोई मेरा भी पॉरिज सारा फिनिश कर दिया है, सब खत्म कर दिया है मेरा भी दलिया। द बेयर फैमिली वेन टू द बेडरूम, उसके बाद जो बेयर फैमिली थी वो कहाँ पे गई, अपने बेडरूम में गई। समबडी स्लेप्ट इन माई बेड, शाउटेड पापा बेयर इन हिज बिग ग्रुप वॉइस, बिग ग्रुप वॉइस यानी कि अपनी भरी आवाज में पापा बेयर चिल्लाए, कोई मेरे बेड पे सो गया है, सो गया था। समबडी स्लेप्ट इन माई बेड टू, सेड ममा बेयर, ममा बेयर भी बोली मेरे भी बेड पे कोई सो गया लगता था। समबडी इज स्लीपिंग इन माई बेड, सेड बेबी बियर इन हिज टाइनी लिटल वॉइस, बेबी बियर बोला अपनी छोटी सी धीरी सी आवाज में, बेबी बियर बोला अरे मेरे बेड पे तो अभी भी कोई सोया हुआ है। कर्ली लॉक्स वॉक अप, वॉक अप यानी कि जाग गई, कौन, कर्ली लॉक्स जाग गई। सी शो द थ्री बेयर्स, उसने तीन जो बेयर्स थे उनको देखा। सी जंप्ड डाउन एंड रेन आउट ऑफ द कॉटेज, सी जंप्ड डाउन वो बेड से नीचे कूदी, एंड रेन आउट ऑफ द कॉटेज और वो चुपिया जो कुटिया थी उसके अंदर से फटाफट दौड़ के बाहर निकल गई। एज फास्ट एज सी कूड, जितनी जल्दी वो भाग सके उतनी जल्दी तेजी से भाग के वो कुटिया के बाहर निकल गई। तो सबको समझ में आ गया ना, चलो एक बार फिर से मैं बोल देती हूँ पूरी स्टोरी। बेबी बेयर एक कर्ली लॉक करके एक लड़की थी जो अपने घर के बाजू में एक जंगल था उसमें गई, वहां पे उसने क्या देखा, एक कुटिया देखी, तो उसने आवाज लगाई कि अंदर कोई है, तो कोई ने आवाज नहीं दी, तो वो कर्ली लॉक थी वो अंदर देखने गई कि अंदर कौन है, तो उसने क्या देखा कि जो तीन भालू थे पापा बेयर ममा बेयर और बेबी बेयर वहां पे रह रहे थे, वो लोग वॉक करने के लिए बाहर गए थे। तब उसने टेबल देखा, वहां टेबल के ऊपर
टेबल के ऊपर तीन बाउल पॉरिज यानी कि दलिया और रात के रखे हुए थे। तो उन्होंने वो क्या किया, पहला उसने पापा बेयर का देखा तो वो कैसा था, हॉट था। फिर ममा बेयर का देखा तो वो क्या था, कोल्ड था। पर जो बेबी बेयर का था ना वो क्या था, उसको लिए परफेक्ट था, तो उसने वो खा लिया। फिर वो कहाँ पे गई, बेडरूम में गई, तो बेडरूम में भी उसने तीन बेड देखे, एक पापा बेयर का था, एक ममा बेयर का था और एक किसका था, बेबी बेयर का था। तो पापा बेयर का बेड था वो कैसा था, हार्ड था, सख्त था। ममा बेयर का जो बेड था वो सॉफ्ट था, पर जो लिटिल बेड था ना किसका था, बेबी बेयर का, वो एकदम सॉफ्ट था और उसके लिए परफेक्ट था। तो उसको खाना खाया था इसीलिए बहुत नींद आई और वो बेड के अंदर सो गई। तभी वो जो बेयर फैमिली थी वो वॉक करके वहाँ वापस आई, तो पापा बेयर ने क्या देखा कि कोई उनका सारा पॉरिज खा गया यानी कि दलिया खा गया, मम्मी बेयर का भी खा गया था और बेबी बेयर का भी खा गया था। फिर वो लोग कहाँ पे आए, अपने बेडरूम में आए, तो पापा बेयर अपनी भरी आवाज में चिल्लाए कि भाई मेरा जो बिस्तर है उसके ऊपर कोई सो गया लगता था। तो मम्मा बेयर ने भी कहा हाँ लगता है मेरे भी बेड पे कोई सो गया था। फिर क्या हुआ, वो छोटा बेबी बेयर था ना उसने देखा कि मेरे बेड पे तो अभी भी कोई सो रहा है। तो ये सब बातें कर रहे थे तो उतनी ही देर में वो करली लॉक थी वो जाग गई। तो उसने क्या किया, उसने देखा तीन बेयर्स थे उनको देखा और वो फटाक से बेड के ऊपर से नीचे कूदी एंड जितनी जल्दी से भाग सके उतनी जल्दी वो कुटिया थी उसके बाहर दौड़ के वो निकल गई। चलो मजा आया ना स्टोरी पढ़ने में, तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, ये जो है ना चैप्टर उसके रिलेटेड क्वेश्चन आंसर है, बाकी सारी एक्सरसाइज है वो सब हम सीखेंगे, बराबर। तो चलो अभी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।